दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। आम आदमी पार्टी के 21 सदस्यों पर खतरे की तलवार लटक रही है। संसदीय सचिव पद को लेकर खड़े हुए बखेड़े में इन विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद दिल्ली में भी सियासी संकट खड़ा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन विधायकों को संसदीय सचिव का पद भी मिला है, जो कि लाभ का पद माना जाता है। नियमों के मुताबिक संसदीय सचिव का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है और कानून के हिसाब से दिल्ली में केवल एक संसदीय सचिव हो सकता है और वो भी सीएम दफ्तर से जुड़ा। लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए बीते साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया। बीजेपी और अन्य पार्टियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। विपक्ष का आरोप था कि इन 21 विधायकों को मंत्रियों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे दिल्ली की जनता पर बोझ पड़ेगा। इसके बाद इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए जून 2015 में राष्ट्रपति के पास याचिका दी गई। चुनाव आयोग ने विधायकों को 11 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था, जिसके बाद अब विधायकों ने शुक्रवार को इस याचिका पर जवाब देने के लिए 6 से 8 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने दिल्ली सरकार और विधानसभा को चिट्ठी लिखकर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट देने को कहा है। संसदीय सचिवों के जवाब के बाद ही चुनाव आयोग राष्ट्रपति से फैसले की सिफारिश करेगा, जिसके बाद आखिरी निर्णय पर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगाएंगे। वैसे एक चुनाव अधिकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में पहले भी विधायकों को अयोग्य करार दिया जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल दिल्ली सरकार इस मामले में कानूनी सलाह लेने की बात कर रही है। लीक से हटकर चलने वाली केजरीवाल सरकार का ये फैसला उन्हीं के विधायकों पर भारी पड़ेगा या नहीं, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।